ठेवा तुम्ही, आता हे सांगतात हिंदीमध्ये सांगा. त्यांची सोच आणि विचारधारा होती जनसेवाची. और अशोक चौहान जी मेरे साथ बैठे हुए हैं, इनकी सोच और विचारधारा भी मैंने बारीकी से देखा है. राजनीतिक सोच विचारधारा नहीं है, जनसेवा की सोच विचारधारा है, विकास और प्रगति की सोच विचारधारा है. और आज देश को ऐसे जनसेवकों की जरूरत है. जब आजादी की लड़ाई लड़ी गई थी इस देश में और आजादी में स्वतंत्र संग्रामियों ने अपना जीवन की आहुति दिलवाई थी, उनकी सोच और विचारधारा थी कि हमारे पश्चिमों में चलेंगे जो हमारे पीछे, वही उस विचारधारा के साथ चलेंगे. तो आज मैं आपको कहना चाहता हूं कि आपको जिंदगी में बहुत सारे नेता मिलेंगे मेरे भाई और बहनों. माझ्या परिवारच्या सदस्य तुम्हाला मी सांगतो, तुम्हाला जीवन मध्ये फार नेते मिळणार. पर ये भी याद रखना कि बहुत सारे नेते मिलते हैं जिनके दिमाग दूध की तरह साफ होते हैं लेकिन दिल बड़े काले होते हैं. आज मैं एक ऐसे व्यक्ति के प्रचार के लिए आया हूं और मैं ये आपको संकल्प के साथ कह सकता हूं, क्योंकि इनके साथ मिलकर 10 साल मैंने कार्य किया है. एक ऐसे व्यक्ति के लिए प्रचार के लिए आया हूं जिनका दिमाग भी दूध की तरह साफ है और दिल भी दूध की तरह साफ है. इतना विश्वास मैं आपको दिला सकता हूं कि जो स्थिति शंकराचार्य चौहान साहब ने निर्मित की है नांदेड़ में, ढोकड़ में, बरार में, जो आज पानी की, अमृत की नदियां और कनाल सिंचाई की यहां इस क्षेत्र में लाई है. आज रास्ते में मैं अमिता ताई के साथ देख रहा था, बाएं तरफ केले के पेड़, बाएं तरफ गन्ने के पेड़, आगे सोयाबीन का फसल. अगर आज मेरा किसान नांदेड़ का, भोकर का, बराड का पूर्ण रूप से संघर्षशील है, तो आज वो देन अगर किसी की है तो शंकर राव चौहान और अशोक राव चौहान की है. मैं अपन ना सांगतो कि कार कसोटीचा आहे, कार कसोटीचा आहे, पण कसोटीला सांगा वारसा संघर्षाचा आहे. और जो उद्बोधन मैंने इनसे सुना भी कि जो दुष्ट लोग आपसे अपना अमृत छूटना चाहते हैं, आपसे अपना अमृत छीनना चाहते हैं, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि अगर आपने निवडून अशोक चव्हाणला पाठवा विधानसभा मध्ये तुमचा झंडा घेऊन, मी तुम्हाला आश्वासन देतो कि एक एक रक्त बोन तुमच्या हिफाजत करणार हे अशोकराव चव्हाणचं आहे. आज महाराष्ट्राची स्थिती काय झाली, शेतकऱ्यांची स्थिती काय झाली महाराष्ट्रामध्ये, कर्जमाफीचा नारा होता, भाजपा आणि शिवसेनाचा कर्जमाफीचा नारा होता, एक शेतकऱ्यांची पण कर्जमाफी नाही झाली. समर्थन मूल्य एक एक दारला फिरून
फसल बीमा योजना की गोष्ठी हे करतात। सगळं बीमा कंपनी जवळ त्यांचे खाते मध्ये राशि गेली आणि शेतकऱ्यांच्या खात्यात खाली झाला पूर्ण महाराष्ट्रामध्ये। किसान को पूछे बगैर, उनके अनुमति के बगैर आपके खाते से बीमा काटा जाता है। और जब सूखा आता है, ओलावृष्टि आती है, अतिवृष्टि आती है, तो बीमा का के नाम पर एक रुपया का चेक आपके हाथ में थमाया जाता है। और पानी की स्थिति क्या, आपके पहरेदार यहां खड़े हैं अशोक चव्हाण जी के रूप में, पानी की कमी बारहणी भोकर में बिल्कुल नहीं, लेकिन संपूर्ण महाराष्ट्र में जो कहा था 2019 तक पूर्ण रूप से पानी की किल्लत मिटाई जाएगी, आज भी 5000 बड़े ग्राम में और 10,880 ग्राम में 7000 टैंकरों से पानी पिलाया जाता है। अब पानी की बीमारी 23 लाख महाराष्ट्र के मेरे लोगों को डायरिया हो चुका, 3 लाख मेरे महाराष्ट्र के नागरिकों को टाइफाइड हो चुका, और ये सरकार पानी के नाम पे राजनीति करने की कोशिश कर रही है। एक तरफ किसान की दुर्दशा, पानी की किल्लत, दूसरे तरफ जो महाराष्ट्र का नाम औद्योग के आधार पर रखा जाता था, औद्योगिकरण के आधार पर रखा जाता था, पिछले 5 सालों में औद्योगिकरण का दर 50% घट चुका और 2200 कारखाने पुणे से मुंबई से ठाणे तक, मराठवाड़ा से पश्चिम महाराष्ट्र से विदर्भ तक सारे के सारे बंद हो चुके हैं और ताले लग चुके हैं। तो कमाई किसकी हो रही है? छोटा किसान, छोटा मजदूर पूर्ण रूप से विकास से अवरुद्ध हो चुका और सरकार के नेतागण विकास के रास्ते पर अग्रसर हो रहे हैं। बेरोजगारी की बात करो तो आज एक एक माता, एक एक पिता अपने नौजवान बच्चे को शिक्षा प्रणाली में आगे करता है ताकि उसका भविष्य उज्ज्वल हो पाए, लेकिन ये भाजपा की राज्य सरकार ने साक्षरता के सर्टिफिकेट को नौजवानों के बेरोजगारी के सर्टिफिकेट में तब्दील करके छोड़ दिया है। बेरोजगारी 250% बढ़ चुकी है और आज मुझे कहा जाता है कि महाराष्ट्र में प्यून की नौकरी के लिए ग्रेजुएट और पीएचडी के छात्र को अपना आवेदन देना पड़ता है। यह हालत कर दिया है महाराष्ट्र में। यह हमारा महाराष्ट्र की माटी, आमची महाराष्ट्र, आमची माटी, याचा वर्चस्व ठेवायचा आहे आणि याचा वर्चस्व ठेवायचा आहे तो अशोक चव्हाण साहेबला निवडून विधानसभा मध्ये पाठवून द्या। आपण आज मंचवरती अमिताताई पडी आहेत, घरी मध्ये असली बॉस अमिताताई आणि आज बनी क्षेत्र मध्ये आमदार अमिताताई आहेत। अब आपण जर जवळ नवीन उमेदवार आहेत अशोक चव्हाण जवळ जप त्यांचे रूप मध्ये आणि मी त्यांना सांगतो की अमिता चाळीच्या पडी आशीर्वाद घ्या आणि निवडून या। खरं गोष्टी आहे की नाही? हात उचलून द्या, खरं गोष्टी आहे। तुम्हाला निरोप आहे, तुम्हाला एक लाईन मध्ये मी तुम्हाला सांगतो, घातल्याशिवाय धार नाही, घातल्याशिवाय धार नाही, तलवारच्या जटिल
घातल्या शिवाय धाग नाही तलवारीच्या जाटीला, अशोक चव्हाण शिवाय पर्याय नाही बाळाच्या मोठीला। धन्यवाद।